मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, BSTC सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6th पेपर है, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, और जो आपकी यूनिट चल रही है वो 3rd यूनिट है, और इसका नाम है स्ट्रेटेजीज फॉर टीचिंग एंड स्किल। यूनिट जो है आपकी 3rd है, और स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग एंड इट्स स्किल। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो आपका जो पढ़ने जा रहे हैं अभी वो है हमारा डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग क्या होता है? सबसे पहले तो डायलॉग राइटिंग क्या होता है? डायलॉग जो है वो आपका है, डायलॉग मीन्स अ टॉक बिटवीन टू पर्सन। डायलॉग मीन्स टॉक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच बातचीत जो की जाती है उसको हम कहते हैं डायलॉग राइटिंग। द एम ऑफ डायलॉग राइटिंग इज टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट द वे ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। जो इसका मेन जो एम है, एम क्या इसका है? टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उनको आपको इंट्रोड्यूस कराना। डायलॉग का जो मेन एम होता है टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट द वे ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, द वे ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश इन वेरी स्पॉन्टेनियस वे, यानी कि वेरी इजी नेचुरल स्पॉन्टेनियस, मतलब किस तरह से अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोलना चाहिए या बोलना होता है वो उस तरीके को सिखाने के लिए डायलॉग राइटिंग को इंग्लिश के अंदर अप्लाई किया गया है। अब जो है आपका हाउ टू राइट अ डायलॉग, हाउ टू राइट अ डायलॉग, डायलॉग को कैसे लिखना चाहिए। तो फर्स्ट है, वन हु इज राइटिंग अ डायलॉग शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द माइंड। अगर कोई लिख रहा है तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बिगनिंग, जो सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो है आपका इंटरेस्टिंग बिगनिंग। जो है हमेशा इसकी जो बिगनिंग होनी चाहिए डायलॉग की शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इन फैक्ट नेचुरल डायलॉग शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द बिगनिंग एंड व्हेन द टॉक इज ओवर द कंक्लूजन शुड बी डेफिनेट। जो मतलब एक इतनी अच्छी उसके शानदार मतलब एक शुरुआत होनी चाहिए, और अगर एक जो नेचुरल डायलॉग होता है जिसमें मतलब जब हम बातचीत करते हैं तो एक जो नेचुरल डायलॉग होता है वो स्टार्टिंग में एकदम स्मूथली मतलब इंटरेस्टिंग चलेगा, और एंड जो उसका होगा एक डेफिनेट मतलब अच्छी तरह से होगा, एक निश्चित रूप से होगा। फिर है आपका यूज ऑफ ग्रामेटिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपने बताया है यूज ऑफ ग्रामेटिकल लैंग्वेज, मतलब ग्रामर का आपको ध्यान रखना है जब भी आप डायलॉग राइटिंग करें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर है यूज ऑफ एक्सक्लेमिनेशन, use of जो एक्सक्लेमेंट पे मार्क होते हैं आपके इस तरह उसका यूज करना, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी से तो हम बोलते हैं हाउ आर यू, वाओ, जब हम बोलेंगे वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, तब हमें इस तरह के जो एक्सक्लेमेंट्री हमारे जो मार्क्स होते हैं उसका उपयोग वहाँ पर हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें हमारा डायलॉग जो है, हमारी जो कन्वर्जेशन है, हमारी जो टॉकिंग है, उसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जांपल वो व्हाट अ नाइस नेम, वेल, जैसे आप पूछ रहे हो किसी से हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, तो अपना नाम बताएंगे तो आपको बोलना नाइस, या हो व्हाट अ नाइस नेम, हो व्हाट अ नाइस नेम, हो व्हाट अ नाइस नेम। अगर हम बीच में एक्सक्लेमेटरी का उपयोग करते हैं तो हमारे जो डायलॉग राइटिंग है वो एकदम इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ इंटरप्शंस, यूज ऑफ इंटरप्शन, इंटरप्शन
इंटरप्शन का मतलब होता है बीच में ब्रेक होना, यानी कि जो है इन रियल कन्वर्जेशन वन पर्सन समथिंग इंटरप्ट्स इन बिटवीन एंड ट्राइज टू ब्रेक इट इन क्वाइट नेचुरल, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे कि जनरली हम जब किसी से बात करते हैं तो हम स्मूथली धीरे से अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बात को थोड़ा सा कट करके अपनी बात बोलने की कोशिश करते हैं, फिर हम चुप हो जाते हैं, फिर पहले उसको बोलने का मौका देते हैं। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ चलती है, तो इंटरप्शन को बीच में लाना चाहिए, यानी कि जैसे हमने कुछ अपनी बात बोला और दूसरे वाले ने अपनी बात को इंटरप्ट कर दिया, यानी हम भी बोलने वाले थे, हम बोल रहे थे उतने बीच में उसने भी अपना बात बोल दी, तो इंटरप्शन को रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्शन टॉकिंग के बीच में एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हम बात करते हैं तो यदि आगे वाले से बात कर रहे हैं तो बीच में वो भी कई बार अपनी बात बोलने लग जाता है या लग जाती है, तो वहाँ पर हमारी जो वॉइस है वो इंटरप्ट होती है, ब्रेक होती है, तो वो बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल होता है हमारे डायलॉग राइटिंग का, तो वो हमें अपने डायलॉग के अंदर डालना चाहिए। और जैसे सैम्पल है डायलॉग राइटिंग का वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। तो सैम्पल जो है आपका, जैसे यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया हमने मोहन, ठीक है, मोहन लिखने के बाद में कैन आई हेल्प यू सर, कैन आई हेल्प यू सर, कैन आई हेल्प यू सर, यहाँ पर आएगा आपके क्वेश्चन मार्क। फिर मोहन के आगे आप कोई भी नाम ले लीजिए जैसे सोहन, तो वो क्या कहेगा, यस प्लीज, ठीक है, यानी उसने उसको क्या कहा, यस प्लीज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। अब जो है मोहन पूछेगा व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। ये लिखने के बाद में सोहन जो है, सोहन का क्या रिप्लाई आएगा, यानी कि ये देख लीजिए इस तरह से आपको लिखने, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स, आई मेड अ लिस्ट ऑफ अ थिंग, लिस्ट ऑफ थिंग आई नीड, कैन यू पैक, कैन यू यानी लिस्ट बनाई है उसके अंदर ये जरूरत के सामने मेरे को जरूरत है, आप उसको पैक कर सकते हैं। इस तरह से आगे आगे उनकी बात चलती जाएगी, फिर वो सोहन मोहन जो बोलेगा श्योर सर, तो इस तरह से जो आपके कन्वर्जेशन चलता रहेगा यहाँ से आती, ये होती है आपकी डायलॉग राइटिंग, यानी दो लोगों के बीच की बातचीत। और इसके क्या फीचर्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया, यदि आपको इसको समझ में नहीं आ रहा था आप मुझसे पूछ सकते। थैंक यू सो मच।